हाय गाइज, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि वॉश बेसन को आप काले धके दाब जो होता है उसको आप किस तरीके से साफ कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज मैं आप सबको बताऊंगी कि सबके घर में वॉश बेसन बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है, तो उसको साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसको आप किस तरीके से आसान तरीके से साफ कर सकते हैं ये मैं बताऊंगी। तो उसमें मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ विनेगर का। जो विनेगर है, इस तरह से हम कॉटन लेंगे और कॉटन में विनेगर लगा के थोड़ा थोड़ा सा इस पे सब पे अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से सारे जगह में हम विनेगर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम चारों साइड से इसको अप्लाई कर देंगे हर जगह। आप देखे थे कि हमारा वॉश बेसन कितना गंदा था और इसको दो मिनट में बस दो बूंद विनेगर से ये अच्छे से साफ हो जाता है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें हम सारे जगह अप्लाई कर रहे हैं चारों साइड से, इधर भी सब जगह से अप्लाई इसको कर देंगे। बहुत ही आसानी से हो जाता है ये, आप जरूर ट्राई करें। और इसी से नल में भी हम कर देंगे, ये नल भी हमारा साफ हो जाएगा। चारों साइड से हम इसमें अप्लाई कर दिए हैं। जितने भी दाग धब्बे वॉश बेसन में होता है सब ये इससे छूट जाते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे नमक, थोड़ा सा नमक डालना है हमें, एक चम्मच। विनेगर नहीं हो तो आप इसके जगह पे नींबू भी ले सकते हैं। नींबू और नमक और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के भी ये बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। सारे जगह पे और उसे भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर देंगे। और इसको अप्लाई करने के बाद इसको आप 5 मिनट तक छोड़ दें ऐसे ही, उसके बाद इसको साफ करें। अब इसमें हम डालेंगे डिटर्जेंट, कोई भी डिटर्जेंट आप इसमें यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है ये। तो अब इसमें हम थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल रहे हैं, कोई सा भी डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं। और इस सब को इस पे अप्लाई अच्छे से कर दें और इसको 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। अप्लाई करने के बाद जितने भी दाग धब्बे होंगे, चाहे नलका का हो चाहे वॉश बेसन का हो, सब अच्छी तरीके से चमक जाएंगे। तो 5 मिनट हो गया है, तब हम क्या करेंगे, एक स्टील का इस तरह से जूना लेंगे और इस पे थोड़ा सा पानी डाल के इसको इस तरीके से साफ कर लेंगे, रगड़ के सारे जगह से इससे पानी से धो लेंगे। बस इसको एक बार साफ पानी से धो लेना है अच्छे से। तो ये देखिए हमारा वॉश बेसन कितने अच्छे से चमक गया है, इसको हम धो दिया है पानी से। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से चमक गया है, कितने बिल्कुल क्लीन हो गया है और इसका ये टोटे भी इतने अच्छे से साफ हो गया है, आप देख सकते हैं।
ये देखिए, इसी तरह से अगर आप भी ये स्टेप यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका भी वाशबेसन साफ हो जाएगा, ऐसी तरह से क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। तो बस सिर्फ दो चीजों से साफ हुआ है, नमक और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाले हैं हम और विनेगर डाले हैं। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको साफ करने में बहुत ही आसानी से हो जाता है ये। तो अगर हमारी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।